हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ दिल्ली के अंदर करीबन जो होलसेल मार्केट है, उस होलसेल मार्केट से 25,000 करोड़ का मना एक दिन के 25,000 करोड़ का मना सेलिंग होता है दोस्तों। और करीबन करीबन इसका टैक्स बन जाता है 200 करोड़ का, 200 करोड़ के आसपास माना इसका टैक्स बन जाता है सिर्फ होलसेल मार्केट का। और खुदरा व्यापारी और छोटे मोटे रिटेल की बात हम नहीं करें, सिर्फ होलसेल मार्केट की बात करें, सिर्फ दिल्ली के अंदर का। तो दोस्तों ये सीलिंग की वजह से अभी मंगलवार को 13 मार्च को बंद था पूरी दिल्ली। तो मीडिया के अनुसार माना जाए तो 200 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार को हुआ है। तो दोस्तों मैं एक बात मेरे दिल में था तो मैं शेयर करना चाहता हूँ, 200 करोड़ का नुकसान हो तो गया, ये 200 करोड़ से आप अंदाज़ा लगाइए कितने काम आम आदमी के लिए, आम गरीब के लिए हो सकता था। 200 करोड़ इस सीलिंग के चक्कर में एक दिन दिल्ली बंद होने का मतलब, अगर व्यापारी लगातार 6-7 दिन दुकान बंद कर देते हैं तो एक व्यापारी 7 दिन बंद कर ले तो उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 7 दिन यानी 1400 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को नुकसान होता है दोस्तों। तो सीलिंग के चक्कर में बंद मार्केट हो रहा है, इस चक्कर में पिछला सरकार तो अभी कुछ नहीं कर पाया। इस समय की सरकार जो फिलहाल बीजेपी एमसीडी में है, केंद्र में भी है तो इसके ऊपर हंगामा मच रहा है। तो पिछला सरकार का इसमें जिम्मेवारी नहीं बनता था कि हम जो 2006 में होने वाला था सीलिंग, उस पर कोई कानून बना के इसे रोका जाए। इस समय पार्टी को विरोध कर रहा है जो पार्टी के आगे बाजू पीछे बोल रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है दोस्तों। अगर छोटी सी बात मैं शेयर किया हूँ, अगर आपको अच्छा लगा तो इसमें कमेंट जरूर करके मुझे भी बताइएगा दोस्तों, इसका जिम्मेवार कौन होता है। एक दिन में 200 करोड़ का नुकसान, 7 दिन में 1400 करोड़ का नुकसान, इसका भरपाई कैसे होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, छोटा सा बात मेरे दिल में था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।